साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आपको पता है, सीएसआईआर यूजीसी नेट का एग्जाम हो चुका था, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद सीएसआईआर के ऑफिशियल वेबसाइट पे उनके अवार्ड लेटर का प्रोसीजर भी बता दिया गया था। बट जो बच्चे यूजीसी क्वालिफाई किए थे उनको अपना अवार्ड लेटर, और जो बच्चे नेट क्वालिफाई किए थे उनको अपने सर्टिफिकेट के लिए क्वेरी थी। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अब आप वो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इस वेबसाइट पे आप जब आप विजिट करेंगे तो ऑफिशियली यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं है। लास्ट अपडेट जो हुआ है ये 2 नवंबर को अपडेट हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको करना क्या है डाउनलोड करने के लिए, तो उसके लिए आपको ये करना है कि आपको चालाकी के साथ यहाँ पे जो ई सर्विसेज का कॉलम दिया है, आप यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आप 2020 पर जाएंगे, राइट। 2020 पर जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ई सर्टिफिकेट का कॉलम दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, इसको आपको क्लिक करना है। ये आपको एक सेपरेट पोर्टल की तरफ लेकर जाएगा। यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट की तरफ जाना है। तो चूंकि आपने ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी नेट एग्जाम दिया था, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, और जो यहाँ पे पर्टिकुलर कैप्चा बोल रहा है आपको क्या करना है, सिंपली उसको टाइप कर देना है। जब आप इसको टाइप करेंगे तो इस तरीके से ये आपको ओपन होके आ जाएगा। अब ये ओपन होगा तो यहाँ पे एग्जाम सेशन, ठीक है, पहले यहाँ पे जून 2022 नहीं आ रहा था, अब यहाँ पर ये आपको जून 2022 देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ये बात अब क्लियर हो गई है कि आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। और फिलहाल के लिए तो अभी कोई सर्वर एरर भी नहीं है। आप अपना रोल नंबर पर्टिकुलर टाइप करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, सेशन डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। वहां पे आपको क्या करेगा, आपको अवार्ड लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन जो रहेगा वो इस तरीके से आपको दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी जो भी आप अपना डालेंगे, तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्लिक हेयर टू डाउनलोड ई सर्टिफिकेट और क्लिक हेयर टू डाउनलोड अवार्ड लेटर। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि जिनका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ है उनके ऑप्शन में केवल ई सर्टिफिकेट आएगा, और जिनका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है उनके पास ई सर्टिफिकेट एंड अवार्ड लेटर दोनों का ऑप्शन आएगा। पर्टिकुलर आप इसको डाउनलोड करेंगे। हालांकि इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि आपका जो अवार्ड लेटर या जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि आपको कैसे ओपन करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ई सर्टिफिकेट आपका जून 2022 का है। इसको हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, जून 2022 का है। इस तरीके से आपको दिखेगा कि आपने कॉन्ग्रेचुलेशन दिया रहेगा कि आपने क्वालिफाई कर लिया है। अब यहाँ पे जो पासवर्ड जो बनाया गया है, मान लीजिए आपका जो प्रोटेक्टेड पासवर्ड होगा, मान लीजिए अगर आपका नाम राधिका कुमारी है, तो जो आपका फर्स्ट 4 अल्फाबेट होगा वो लिखिएगा कैपिटल में, और उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है डीओबी के फॉर्म में, ठीक है, डेट मंथ एंड ईयर के फॉर्म में। और यहाँ पे आपका जो कॉम्बिनेशन क्या होगा, फर्स्ट 4 लेटर ऑफ योर नेम, ठीक है। बस इतनी सी चीजें हैं, बाकी ये 4 फॉर्मेट दिया गया है कि अगर आप अपना नाम डॉक्टर रहीम के नाम से लिखते हैं तो फिर आपको केवल डॉक्टर लिखना है और अपना सर्टिफिकेट लेना है। इस तरीके से लिखते हैं, मतलब कुल मिला के सारे कॉम्बिनेशन जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो इन्होंने दे दिया है, राइट। तो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है कि अब हम यहाँ पे अवार्ड लेटर के बारे में समझ लेते हैं। जो भी आपका अवार्ड लेटर होगा, मान लीजिए जिस बच्चे का भी ये अवार्ड लेटर है, तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पहलू है उसको हम समझ लेते हैं। इस तरीके से आपको मिलेगा, बहुत खुशी होगी आपको जब ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लीज टू इन्फॉर्म यू दिया गया है कि आपने सक्सेसफुली जेआरएफ एंड एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जून 2022 के लिए आपने क्वालिफाई कर लिया है। टेन्योर ऑफ द फेलोशिप, ऑब्वियसली बात है पीएचडी जो होती है उसकी मैक्सिमम जो फेलोशिप आप मिलती है वो 5 साल के लिए मिलती है, ठीक है। और ये जो आपकी काउंट होगी ये आपका 28/10/2022, यानी कि जिस दिन आपका स्कोर कार्ड दिया गया था ये वहां से काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 28/10/2022 से होगा। बाकी आप एमफिल एंड पीएचडी में जो भी आप करना चाहें, हालांकि एमफिल तो नहीं, अब बंद ही कर दिया गया है, आप पीएचडी के लिए ही एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद एवआरडी यहां पे इस तरीके से दिया गया है, इज रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर रेगुलर एंड फुल टाइम। पीएचडी में आप इनरोल हो सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, या कोई भी मेडिकल कॉलेज में भी आप कर सकते हैं, बट नॉट लेटर देन 3 ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी वैलिडिटी है इस फेलोशिप की, या आपके इस अवार्ड लेटर की जो ये फेलोशिप की वैलिडिटी है वो 3 साल है। तो बहुत बढ़िया काम इन्होंने किया है, अच्छा खासा टाइम दिया है। तो अगर आप वाकई में पीएचडी के इच्छुक हैं तो इस 3 साल में आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको मिल जाएगा एडमिशन, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ अवार्ड लेटर। इसके अलावा क्या करना होता है, सिंपल सा बताया है कि ये जो अपना फेलोशिप डिस्पर्स करते हैं इनका कैनरा बैंक से है। ये मतलब ऐसा नहीं कि आपको कैनरा बैंक में जाके अकाउंट खुलवाना है, ये कैनरा बैंक के थ्रू आपके अकाउंट में डायरेक्ट एवार्डी के अकाउंट में डिस्पर्स करते हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज है, ठीक है, ये यूजीसी का बहुत बढ़िया है मैं कहूंगा, ठीक है। कोई बीच का मीडिएटर नहीं है कि आपके इंस्टीट्यूट के अकाउंट में आएगा, डायरेक्टर में आएगा, सीधा आपके अकाउंट में आता है। तो बहुत अच्छी बात है, एक तरीके का ये वेब पोर्टल बनाया है, इस लिंक पे जाके अपने सारे चीजों को चेक कर सकते हैं जब भी आप पीएचडी को ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद में। तो यही सारी चीजें दी गई हैं, उसके अलावा कुछ ऐसा विशेष नहीं है। जब आप यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करेंगे तो वो बात की बातें हैं, ठीक है।
तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा आपका वो जो पर्टिकुलर वेबसाइट होगा वो आधार से आपका लिंक होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप में कोई भी कमियां पाई जाएंगी, अवार्डी इज फाउंड टू इन एलिजिबल टू रिसीव द अवार्ड एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ फेलोशिप, मतलब ऐसी कुछ भी मिसकंडक्ट आप करते हैं, कोई अनसेटिस्फैक्ट्री आपका प्रोग्रेस होता है, या आप फेलियर इन एनी एग्जाम ऑफ द पीएचडी के कोर्स वर्क में अगर आपका कुछ ऊपर नीचे होता है, तो ये सारी पावर है यूजीसी के पास कि अगर वो आपको अवार्ड लेटर भी दे सकता है तो वो आपके अवार्ड लेटर को निरस्त भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है। वही बात यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो ये आपका लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है, लेकिन आपको उसका मिसयूज नहीं करना है। तो ये आपका ई सर्टिफिकेट, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, आपको ये सर्टिफिकेट जो है वो आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी एक पर्टिकुलर इसका बार कोड है जिसको आप स्कैन करके भी आप सारी चीजों को देख सकते हैं। तो यहाँ तक सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गई होगी, राइट। तो तरीका भी मैंने बता दिया है, बहुत सिंपल है। सिंपल सा आपको यहाँ पे जाके ई सर्टिफिकेट वाले कॉलम में जाइएगा, राइट। कुछ भी तीन पांच नहीं करना है, आराम से जैसा वो कहता जाएगा वैसे करते जाइएगा, पर्टिकुलर आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। ओवरऑल सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। बाकी ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर हुई हैं, अच्छी लगी हैं, तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी जो आपके मित्र लोग हैं, अगर उनका अभी ये निराशा हाथ लगी है, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे अभी तैयारियां कराई जा रही है आपके नेक्स्ट जेआरएफ एग्जाम, डीबीटी जेआरएफ के रिगार्डिंग। यहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, एनआईआई का पीएचडी के रिगार्डिंग, जो आपका आने वाला नेक्स्ट एग्जाम है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो अभी आपके सामने है। विद इन 2-3 मंथ्स आपके फिर से एग्जाम कंडक्ट होंगे, फिर से सीएसआईआर एग्जाम होगा, तो हम तैयारी के मोड में आ चुके हैं। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल को फॉलो करें। तो आशा है कि आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन और सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको समय से अपडेटेड रूप में आपको दे दी जाए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।